कैसे बचाया गया, क्या है पूरा मामला बताइए। लगभग दो दिन से मूसलाधार बारिश पीलीभीत में भी हो रही थी और आसपास के जनपदों में भी हो रही थी। इसमें उत्तराखंड में जो बनबसा बैराज है जहां से शारदा नदी जनपद पीलीभीत में आती है, वहां पे काफ़ी भारी बारिश और अप्रत्याशित बारिश हुई, जिसकी वजह से वहां से जो डिस्चार्ज हुआ वो अप्रत्याशित मात्रा में हुआ, जितना पूर्व में कभी भी नहीं हुआ है। वो डिस्चार्ज की वजह से जनपद पीलीभीत के कलीनगर तहसील और पूरनपुर तहसील के कई गांव में है पानी आ गया था। लोगों को तत्काल इमरजेंसी टीम लगाई गई, राजस्व और विकास विभाग की टीमों ने लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया, उनके खाने पीने का प्रबंध करा है। मेडिकल की टीमें भी यहां पे है मूव करी गई हैं। इसमें जैसे जैसे जिन गाँव की जानकारी मिल रही थी, कुछ गाँव में लोग जो फंस गए थे उनको पहुँचाने के लिए NDRF की टीमें, SDRF की टीमें हैं लगाई गई, उनकी बोट्स को मूव करा गया। SSB की भी यूनिट यहाँ पर बुलाई गई और उसके माध्यम से भी लोगों को रेस्क्यू करा गया है। गुनहान गांव में है कुछ लोग फंसे हुए की सूचना कल देर रात मिली थी, तो एयरफोर्स से भी बात करी गई और आज सुबह एयरफोर्स के चॉपर के माध्यम से 26 लोगों को गुनहान से भी रेस्क्यू करा गया और उनको भी सुरक्षित उनके घरों तक पहुंचाया गया है। इसी प्रकार की एक जानकारी कंबोज नगर के लिए मिली है, जहां पे कुछ लोग अभी मैरून हो गए हैं और उनके लिए भी NDRF की टुकड़ी है अपनी ही बोट्स के साथ निकल चुकी है और उनको भी हम जल्दी सुरक्षित जगह पर पहुंचा देंगे। प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट है, ना केवल जलभराव को लेके बल्कि मेडिकल सुविधाओं को लेके और अन्य जितनी भी सुविधाएं इन गांव में देनी है जहां पे भी इस तरह